वृत्त बनाने के तरीके भाग तीन कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल पार्ट थ्री। आज हम जानेंगे कि एक सही वृत्त बनाने के लिए केंद्र और त्रिज्या की जानकारी क्यों जरूरी है। क्या कर रहे हो आयुष्मान? खेल दिवस की तैयारी चल रही है और मुझे इन गोलों के बीच में झंडा लगाने का काम मिला है। गोले के बीच में यानी केंद्र में झंडा लगा देना चाहिए। तुमने तो किसी भी वृत्त के केंद्र में झंडा नहीं लगाया। ठीक से देखो, सभी झंडों को वृत्त के केंद्र में ही लगाया गया है। सभी तो वृत्त के अंदर ही लगे हैं। अरे, वृत्त के अंदर तो बहुत से बिंदु हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि सभी बिंदु वृत्त के केंद्र मान लिए जाएंगे। फिर किसको वृत्त का केंद्र मानेंगे? केंद्र मानना नहीं पड़ता, होता है। तुमको याद है हमारी किताब में वृत्त की परिभाषा क्या लिखी है? नहीं, मैं बताती हूँ। वृत्त के अंदर का वह बिंदु जो वृत्त के बीचों बीच स्थित होता है वृत्त का केंद्र कहलाता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि वृत्त में कहीं भी नहीं बल्कि ठीक बीच में केंद्र होता है। हाँ, और केंद्र से हम वृत्त के किनारे पर स्थित अलग अलग बिंदु तक कई रेखा खींचे तो वो सभी रेखा एक ही नाप की होंगी। जबकि तुम्हारे लगाए हुए झंडों से अगर हम ऐसी ही रेखा खींचे तो वो सभी अलग अलग नाप की होंगी। ओह, अब गलती समझ में आई। अब फिर से सारे झंडे दोबारा लगाने पड़ेंगे। इस बार केंद्र में लगाना, नहीं तो बार बार यही करते रहना पड़ेगा। क्या बना रहे हो रेयांश? सर ने मुझे गोले बनाने का काम दिया है, इसमें झंडे लगाए जाएंगे। हाँ, मैंने आयुष्मान को झंडे लगाते हुए देखा, लेकिन तुम ये जो वृत्त बना रहे हो ये सही नहीं है। क्यों? इनमें क्या गलत है? तुम मुझे एक वृत्त बनाकर दिखाओ, तभी गलती बता सकती हूँ। ठीक है, मैं वैसे ही बना रहा हूँ जैसे सर ने क्लास में बनाया था। ये देखो, रुको। क्या हुआ? गोले को बनाते हैं तब उसकी त्रिज्या एक जैसी होनी चाहिए, त्रिज्या को बदल नहीं सकते। मतलब? मतलब ये कि कील में हमने जो धागा बांधा है वो इसलिए बांधा है जिससे वृत्त की त्रिज्या निश्चित की जा सके, उसके नाप में बदलाव ना आए। और इसलिए जब कील को एक जगह गाड़ देते हैं तो धागे के दूसरे सिरे को खींच कर पकड़ते हैं और फिर पूरा वृत्त बनाते हैं। अच्छा, लेकिन मेरे बनाए इस वृत्त में क्या गलती है? देखो, इस वृत्त में हम केंद्र से अलग अलग रेखाएं किनारे की तरफ बनाते हैं। अब देखो, सभी त्रिज्या अलग अलग नाप की हैं, जबकि ये सभी एक ही नाप की होनी चाहिए थी, क्योंकि एक वृत्त में अलग अलग नाप की त्रिज्या नहीं हो सकती। इसलिए वृत्त बनाते समय हमको एक ही त्रिज्या रखनी पड़ती है। ओह, अब समझा। लेकिन अब मुझे ये सभी वृत्त दोबारा बनाने पड़ेंगे। वंदना आज खुश है क्योंकि उसने आयुष्मान और रियांश की मदद की। उसने आयुष्मान को बताया कि एक वृत्त में सिर्फ एक ही केंद्र हो सकता है, और रियांश को बताया कि किसी वृत्त को बनाते समय उसकी त्रिज्या को कम या ज्यादा नहीं कर सकते। आप लोग भी अगर अपनी क्लास में ध्यान दोगे तो आपको रियांश और आयुष्मान की तरह किसी काम को बार बार नहीं करना पड़ेगा।